पुरम से विधायक प्रमिला टोकस में हमारे साथ मौजूद है। दो बार आप चुनाव जीत के आई हैं, क्या लग रहा था जितने मार्जिन, इतना आसान था चुनाव जीतना या फिर चुनौती थी जिस तरह की बयानबाजियां की गई, जिस तरह से नए नए मुद्दे उछाले गए विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये उनकी अपनी कोई योजना होगी, लेकिन हमने 5 साल रह के जनता के बीच में रह के काम किया था, तो हमें पूरा विश्वास था, हमें कोई चुनौती नहीं लगी। हमने जिस प्रकार से काम किया था, हमें पूरा विश्वास था कि आर के पुरम की जनता हमें दोबारा चुन के लेके आएगी, और पूरी दिल्ली का विश्वास था कि दोबारा से हम अपने मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को ही चाहते हैं, उन्हीं को बनाएंगे। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि दिल्ली की जनता को कि उन्होंने फिर से आम आदमी पार्टी पर भरोसा दिखाया और एक बार फिर काम की जीत हुई। तो मैं अपनी पूरी दिल्ली को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अपने आर के पुरम क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिस तरीके से 62 सीट पर जीत हासिल हुई है, क्या लगता है कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था, अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा चेहरा थे, या फिर आपका विकास मॉडल बोल रहा था, कैसे इतना प्रचंड बहुमत मिला? देखिए, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि काम पे वोट है, तो ये काम पे वोट था, और उनके पास तो कोई चेहरा था ही नहीं, किसको खड़ा करेंगे। श्री अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के आगे सभी चेहरे फिक्के थे। यानी चेहरे पर भी वोट मिला है और काम पर भी वोट मिला है। प्रमिला का कहना है कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ काम के बुनियाद पर वोट मांगा था, इसलिए हमें काम के बुनियाद पर वोट मिला और विपक्ष के पास अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा ही नहीं था। कैमरामैन विवेक भट्टाचार्य के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।